हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर खान आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल बीआर पे हमेशा एक नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को डाली जाती है। जस्ट वैसे ही दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया वीडियो जिसे आप यूज करके अपने लाइफ को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल बीआर पे हमेशा एक नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को डाली जाती है। बट दोस्तों आज कुछ टॉपिक अलग है, यानी आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ जो की हमारे निजी लाइफ से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों मेरी स्टडी के अनुसार ये चीजें आपको बताना मैं जरूरी समझाऊं ताकि आप भी शायद इस चीजों को लेकर कंफ्यूज ना रहे। हाँ जी दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं पहले की तरह फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे डिजिटल बीआर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब का बटन दोस्तों हमारी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप उसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ दोस्तों वहां पे एक बेल का बटन बना होगा उस पर भी क्लिक कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मेल में मिलता रहे और आप उस वीडियो को देखते रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं वो मुद्दा क्या है। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग मुद्दा है और मैं चाहता हूं कि ये अब मैं आपके साथ शेयर करूं। बस दोस्तों नॉलेज के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूं। दोस्तों टॉपिक आज हमारा ये है कि व्हाट इज द लव, राइट? दोस्तों आपने सही सुना, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, व्हाट इज द लव। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि पहली बार ये बंदा व्हाट इज द लव लेके क्यों आया। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। दोस्तों मेरी स्टडी के अनुसार जो चीजें मैंने सामने देखा है, जो चीजों को रियलाइज मैंने किया, वो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करना है आज। तो दोस्तों सबसे पहले अपने दिल को थाम के बैठे ताकि ये चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ और शायद आपको ये समझ आ जाए। और समझ आ जाएगा तो दोस्तों आप अपने लाइफ में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, आप लड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और मेरी यही कहना है दोस्तों कि जो लड़ता है वो आगे जरूर बढ़ता है। यानी दोस्तों आपकी टारगेट जो है, अचीव जो है आपका, जो आपने गोल बना रखा है, आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने बना रखा है दोस्तों, उसके बीच में कोई भी ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको अपनी स्टडी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं व्हाट इज द लव। लव क्या है दोस्तों? आमतौर पर अगर देखा जाए तो लव एक ऐसी चीजों को माना जाता है, जस्ट लाइक एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है वो लव, एक लड़की एक लड़का को चाहते हैं वो लव, एक वाइफ एक हस्बैंड को चाहती है तो वो लव। तो दोस्तों ऐसा क्या है कि लव 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 सब जगह हम लव के बारे में जानते हैं, यानी दोस्तों ये है क्या? तो दोस्तों आज मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और टोटली ए टू जेड बताऊंगा कि व्हाट इज द लव, रियल में लव है क्या। दोस्तों थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा और मैं लंबे टाइम तक इस वीडियो को नहीं खींचूंगा क्योंकि बहुत लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप अगर थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर इसे सुन लिए तो बहुत ही बेटर होने वाला है। दोस्तों क्या होता है कि किसी से पहली बार हम मिलते हैं और वो हमें अच्छा लगता है, इन द सेंस ऑफ दोस्तों कि लव वो चीजों को मानते हैं हम कि यानी कि किसी के बारे में सोचना, ना कि किसी को छूना, किसी के बारे में सोचना है इक्वल टू लव। हाँ जी दोस्तों बिल्कुल, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि आप अपनी मम्मी के बारे में क्या सोचते हो, आपके दिमाग में जो है एक फोल्डर बना हुआ है मम्मी के बारे में कि वो मम्मी जो हमारी है बहुत अच्छी है, वो और दूसरे मम्मी से अच्छे हैं। एग्जांपल आपके पापा आपको डांटते हैं तो क्या है, पापा दुश्मन तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक इमेजेस बनी हुई है उनकी, यार पापा तो हमें डांटते रहते हैं, राइट? तो दोस्तों इसको बहुत ही केयरफुली देखेंगे, यानी कि इमेज सारा कमाल क्या है हमारे मस्तिष्क में, इमेज का, यानी इमेज जैसा आप क्रिएट करोगे जिसके लिए वो वैसा ही आप सोचोगे, उसी को बोलते हैं लव। इन द सेंस सोचो कि एक खूबसूरत सी लड़की हमारे मिली, हमारे लाइफ में एक लड़की आई और जिसे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से मानते हैं जानते हैं, और उसके लिए एक अच्छी सी इमेजेस बना ली अपने दिमाग में, यानी क्या वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, काश मैं उससे मिल पाता, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें। तो उसकी एक इमेजेस हमारे दिमाग में बन गई। अब करना क्या है दोस्तों, जैसे कि हम उसे याद क्यों करते हैं, हम उसे याद इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी इमेज हमारे पास है। जब भी हम अकेले बैठते हैं, जब भी हम शांत बैठते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं, तो हमारे दिमाग में जो फोल्डर होता है खटखट जैसे बाइनरी कोड करता है हमारी कंप्यूटर में, वैसे ही करता रहता है, जस्ट लाइक दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर को भी नाम दिया गया है जस्ट लाइक सीपीयू, यानी जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के सीपीयू भी बोला गया है ब्रेन ऑफ सीपीयू, यानी जैसे हमारा ये ब्रेन है वैसे कंप्यूटर के प्रोसेसर ब्रेन होता है जो कि बाइनरी कोड पे आधारित होता है, जस्ट वैसे ही ऊपर वाले ने हमारे भी इसके लिए कुछ कोडिंग बना रखी है। जो इंसान इसको यूज करेगा, यानी अपने हिसाब से जो इंसान इसे यूज करेगा अपने हिसाब से, वो आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है, जो इंसान अपने माइंड को अच्छे जगहों पर डाइवर्ट करेगा, अच्छे जगह पे यूज करेगा, वही आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज दो क्या होता है ना, कभी कभी घुस जाते हैं हम उसी में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई हमारे फ्रेंड बनी और या फिर कोई मेरा मेरे से धोखा दे दिया, हम उसी के गम में डूबे रहे। बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट अ जेन्युइन। आप जब बनोगे परफेक्ट, आप जब बनोगे, जब उस चीजों को इग्नोर करके, जब वो आपके लिए नहीं बनी, जो वो आपके लिए नहीं सोचा बंदा, तो आप उसके लिए क्यों सोचोगे, बोलो?
दोस्तों मेरी बातें शायद आपकी बुरी लगे बट मैं रियल बता रहा हूँ, यानी कि अगर वो आपके लिए सही नहीं है तभी तो वो आपके साथ छोड़ दिया, अगर वो आपके लिए सोचता नहीं है, सोचती नहीं है, तो आप उसके लिए क्यों सोचेंगे? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। यानी दोस्तों रियल लव, रियल फैक्ट उसको बोलते हैं। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि प्यार जो होता है, लव जो होता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं होती। वो क्या होता है, एक सोच होता है, एक फीलिंग्स होती है जो कि उसके लिए, यानी जो जो वो पर्सन है जिसके लिए मेरे दिमाग में अच्छाई है, उसके लिए वही अच्छाई एक दिन प्यार का धारण कर लेती है रूप। लेकिन दोस्तों वो फैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचेंगे कि चलो मान लिया कि एक लड़की हमसे प्यार करती है, सपोज डेट, और हम भी उससे प्यार करते हैं, इन द सेंस ऑफ कि उस लड़की की इमेजेस, खूबसूरती, उसकी में कुछ खासियत जो हमारे माइंड में सेट हो गया, और उससे भी अच्छी लड़की कहीं दिखती है, फिर भी वो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये लड़की हमारे माइंड में सेट है, तो हम उसको सब कुछ मानते हैं। वैसे ही एक लड़का भी किसी एक लड़की के माइंड में सेट है एज इट इज, वो भी उसके लिए एक इमेज बना रखी है, इसीलिए वो उसे अच्छा मानती है। सपोज दैट आफ्टर सम टाइम उसी लड़की, जिस लड़की को आप चाहते हो, जिसकी इमेजेस आप अपने माइंड में लगा रखे हो, वही इमेजेस को अगर आप उसकी अच्छाई छोड़ के उसकी बुराई सोचना स्टार्ट करो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि प्यार अंधा होता है। दोस्तों लोग बोलते हैं प्यार अंधा होता नहीं है, एक्चुअली लोग अंधे हो जाते हैं जानबूझ करके प्यार में। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ऐसा नहीं है, प्यार अंधा नहीं होता, वो अंधे हम खुद बनाते हैं। यानी कि उसकी गलतियों को देखने के बाद भी उसको नजरअंदाज करे जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उसकी अच्छाइयों को अपने दिमाग में भरते हैं और उसकी बुराइयों को छोड़ते जाते हैं। वो बुराई बढ़ते बढ़ते एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है ताकि आप ही के साथ वो बुरा कर जाते, फिर उस टाइम आपको लगता है यार आज से इतने साल पहले मैं इसको तो जानता था, इस टाइप के थी या इस टाइप का था, लेकिन मैं इस पे गौर नहीं कर पाया और मैं अंधे बन करके मेरा प्यार अंधा हो गया था, मैं सिर्फ इसकी अच्छाइयों को लेकर गया और बुराइयों को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों उस दिन आप एक डिप्रेशन में आ जाओगे, एक तनाव में आ जाओगे, आप खुद को भुला जाओगे, यानी कि दोस्तों आप बर्बाद होने के कगार पे आ जाओगे। और आप चाहोगे भी, अगर आप सच में सिंसियर नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, तो आप चाहोगे कि मैं अपनी जिंदगी को बेकार कर दूं, बर्बाद कर दूं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना उस चीज को ध्यान रखना बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा लाइफ में कभी आता है फंडा, तो दोस्तों उसको अपना हथियार बनाओ और उसको हथियार बना के अपनी लाइफ को और भी स्ट्रांग बनाओ। बिकॉज इतना बता दो, इतना अपने दिमाग में सेट कर लो, जैसे उसके फोल्डर सेट किए थे वैसे आप अपने दिमाग में एक और फोल्डर बनाओ और सोचो कि मैं आज के बाद ऐसा बन के दिखाऊंगा ताकि उसे अफसोस होगा मुझे छोड़ने का, उसे अफसोस होगा मेरे साथ धोखा करने का। हाँ जी दोस्तों, ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू और ये होता है रियल फैक्ट और यही होता है रियल आपकी लाइफ। यानी दोस्तों टोटली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लव जो है ये होता नहीं, ये हम बनाते हैं। ये बनावटी बात नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, स्टडी के अनुसार आप देखो दोस्तों, दुनिया में देखो, खुद अपने लाइफ में जाके देखो कि आप न सिर्फ अच्छाइयों को ले रहे हो, लेकिन कल को वो आपको धोखा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करने के अलावा वो तीसरे बंदे से किसी से बात करती है, आपको पता चलता है, तो फिर आप उसको फोल्डर को ढूंढना स्टार्ट करोगे, यार फलाने जगह हम गए थे साथ में, वहां पे भी इसने मेरे साथ गलत किया था, वहां पे गए थे वहां पे भी इसने मेरे साथ गलत किया था। उस टाइम क्या करोगे दोस्तों, उसको गलतियों को आप काउंट करोगे, काउंट करते 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 आपको इतना हो जाएगा कि आपको लगेगा यार तो मैं तो अंधा हो गया था, ये लड़की तो अच्छी जितनी है उससे ज्यादा बुरी है, ये लड़का जितना अच्छा है उससे ज्यादा ये बुरा है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये, मैं आज आपको इसलिए ये समझाना चाह रहा हूं कि दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ संस्कार के साथ बढ़ो, प्यार के साथ बढ़ो, लेकिन रियल प्यार, रियल फैक्ट प्यार, जो अपनी माँ बाप से, भाई बहन से, जो अपने नियरेस्ट बंदे से, जो आपकी ख्याल रखे हमेशा हमेशा के लिए, ये नहीं कि 2-4-10 दिन के लिए आपके ख्याल रखे दोस्तों। और जो भी पैसे की बात आती है ना दोस्तों, लाइफ में अगर पैसा होना तो बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों जो बिना पैसे के आपके लाइफ में रहे वही आपका अपना है, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं अपने लाइफ में। हाँ मैं तो ये शरीर और ये बॉडी, ये लैंग्वेज, और आज मैं आपके सामने इतना अगर बोल रहा हूँ तो ये किसका है, किसका दिया हुआ है, बाय गॉड ये मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और आपके सामने मैं कुछ बातें शेयर करने लायक बनाऊ। तो दोस्तों ऐसे हमें मम्मी पापा का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर अगर ये इमेजेस किसी अदर पर्सन के लिए है जिसे हम प्यार का नाम दे रहे हैं, तो दोस्तों अच्छी बात है, करो प्यार, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन व्हाट इज द प्यार, इसका मतलब जरूर समझो आप कि प्यार है क्या। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक खुद को धोखा दे रहे हो, और खुद को धोखा दोगे तो दोस्तों आप अकेले ही नहीं जाओगे, आपके साथ साथ आपकी फैमिली जाएगी, आपकी फैमिली के बनाए हुए ड्रीम्स जाएंगे जो आपके साथ देखे गए,
तो दोस्तों कम से कम खुद के लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए, अपनी और फैमिली के लिए आप कम से कम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ताकि अगर प्यार में किसी को कोई धोखा मिले वो धोखा को अपने लाइफ का सबसे बड़ा कमजोर पल नहीं समझे, यानी कि स्ट्रांग पल बनाए उसको, यानी उस यादगार को ऐसा बनाए कि उससे अपनी लाइफ को चेंज कर दे, वहां से अपनी लाइफ की पटरी को मोड़ दे। लेकिन दोस्तों प्यार हर बंदे के नसीब में नहीं होता, अच्छा प्यार, सच्चा प्यार हर बंदे के नसीब में नहीं होता। और प्यार का मेन मतलब जो होता है वो होता है इंसान से इंसान का, ना कि इंसान से पैसों का, ना ही तो इंसान की पोजीशन से। दोस्तों इससे प्यार नहीं होता, यानी उंगली सीधा करना इसे बोलते हैं, इसे प्यार नहीं बोलते। कि हमारी ये मस्तिष्क जो है ना, हमारी जो हेड है, ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाया, यानी कि अच्छाई भी सोच सकते हो, बुराई भी सोच सकते हो, लेकिन जितना भी टेम्पोररी लव होता है, टेम्पोररी वो इमेजेस जो बनती है ना, वो इसमें बनती है, यहाँ पे नहीं बनती, दिल में तो नहीं बनती दोस्तों, यहाँ पे बनती ही नहीं। यहाँ पे जो इमेजेस बनती है ना, जो सच्चा प्यार, जो ट्रू लव होता है, वो इमेजेस कभी आपको धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि वो इमेजेस धीरे 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 यहाँ तक पहुंचती है। लेकिन इसमें जो बनती है वो फट से देखा अच्छी लगी, चलो भाई बना लिया इमेज, दैट्स गुड। सबसे सिंपल बात मैं आपको लास्ट में बताना ये चाहूंगा कि आप किसी से लव करते हो या फिर आप किसी से लव करती हो, यानी लड़का लड़की से या लड़की लड़के से, आप उसे अच्छा मानो, रिलेशन अच्छा है, चलो चले हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको चाहता है, आप भी उसे चाहो। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा मिस्टर खान नाम है मेरा, एक बात याद रखना कि अपनी इमेज इस मस्तिष्क में जो उसके लिए बना के रखो पॉजिटिव ही रखो, लेकिन उसकी नेगेटिवों को ना आप नजरअंदाज मत करो। हाँ उसे डांटो मत, मारो मत, पीटो मत, लेकिन उसकी भी एक फोल्डर क्रिएट करते रहो दोस्तों। क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई चीजें आपके साथ वो प्रॉब्लम कर रही है, अगर वो छोड़ के जा रही है, तो आप उसके लिए मरने के लिए तैयार मत हो। उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को देखो और पॉजिटिव पॉइंट्स को देखो, उसके बाद में डिसाइड करो, जिम्मेदारी आपकी है, मैं नहीं कर रहा, मेरी बात मानो, आप डिसाइड करो कि क्या उसके साथ उसके लिए मरना सही रहेगा, कि क्या उसके लिए अपनी जिंदगी को बेकार करना सही रहेगा, क्या उसके लिए अपनी मम्मी पापा का ड्रीम को बर्बाद करना सही रहेगा। अगर ऐसा है तो आप करो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। अगर आप सच्चे इंसान है, सच्चे आप पढ़े लिखे और सच्चे बंदे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। आप रियलाइज करोगे और कहोगे नहीं यार ये गलत भी थी सही भी थी। तो दोस्तों जब गलत थी सही थी और ऑलरेडी लास्ट टाइम उसने गलत करके आपको धोखा देके चलाई, फिर आपके उसके लिए मरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल सा फंडा है, फिर अपनी लाइफ को आप जियो और उसी पल को, उसी चीज को आप अपने हथियार बनाओ और फिर लड़ो लाइफ में, फिर बढ़ो आगे, डोंट वेट। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।